Hey, hello guys, welcome back to day number 4. आज है 21 तारीख और अभी बज रहे 12. काफ़ी लेट निकले आज क्योंकि मुर्मांस छोटा शहर है और कल हमने ऑलरेडी 2-3 साइट सीइंग देख लिया, तो बाकी आज कवर करेंगे. चलो लिफ्ट आ गया. तो वापस ऊपर आना है क्योंकि आज मैं लॉन्ड्री के लिए कपड़ा ले रहा हूँ, तो वो आंटी से बात करने जा रहा हूँ कि क्या होगा, देखते हैं. तो आज सोच रहा हूँ जैकेट ना ले, थोड़ा इसके साथ डेमो लेने के लिए बाहर आया हूँ. सो फार सो गुड. तो जैकेट टांग के ले लेते हैं, बट शायद जैकेट का ज़रूरत नहीं है. तो चलो चलते हैं अंदर, लॉन्ड्री होने को देते फिर निकल पड़ेंगे. 12 बज गए, काफ़ी लेट भी हो चुके हैं हम लोग. सो आज का डे हम शुरू करते हैं, शुरू करेंगे ब्रेकफास्ट के साथ एंड एंड करेंगे साइट सीइंग के साथ. अच्छा सिनेमेटिक ऑन है, रुको बंद कर दो सिनेमेटिक. सो ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे कल, देखो होटल में आ रहे थे तब साइट सीइंग मिल गया, अब ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे तब एक साइट सीइंग मिल गया. अब साइट सीइंग का मतलब ये मत समझना कि मेरे को मैं आपको नाम बोल दूँ, नाम तो बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि यार मतलब यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नहीं लिखा, सब रशियन में लिखा है और रशियन समझते नहीं हम. सो है गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट साइट सीइंग. यो एंड ये देखिए, ये आज का पहला साइट सीइंग है. यहाँ बच्चे खेल रहे हैं. ये भी लाइफ है. ये है दूसरा साइट सीइंग. यहाँ कल रात को हम आए थे तो रात को गहरा बढ़िया लगता है. ये कुछ लोकल पूछे, ट्राई करने का मन था लेकिन अब क्या करें, घर भी बिना कैसे करें भाई. मुझे लगा सुबह का टेस्ट करके कि चलो हो जाएगा, कान वान पूरा दर्द कर रहा है दोनों तरफ से, होगा नहीं है. कपड़े पहनने पड़ेंगे, टोपी पहनना पड़ेगा. तो भाई अभी कुछ चेंजेस हैं, ये कपड़ा नहीं चलेगा, काफ़ी ठंड है यार, काफ़ी ठंड है, सेम टेम्परेचर ज़्यादा. सो अभी चेंज करके -30 वाला कप जैकेट पहन के आता हूँ. टेरिबल, टाइम का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं. तो आप देखो कपड़े बदल के आ गया हूँ, माइनस वाली जैकेट डाल लिया हूँ. तभी मैंने सोचा था कि क्या ऐसा कैसे हो गया यार भाई, मैं ऐसे घूम रहा हूँ और ये लोग जैकेट के ऊपर जैकेट डाले बैठे हैं. सो अब ये दूसरा पार्ट आ गया सिटी के, पहले उस तरफ था तो अब इस साइड आ गया. देखते हैं इस समय इस साइड में क्या है. वैसे ही दुकानें ढूंढते ढूंढते साइट सीइंग मिल ही जाएंगे, कितना ही है. चलो चलते हैं. अभी देखो हमें यहाँ से ना चढ़ाई करना है, समझ रहे हो, अभी हवा बजे निकल जाएंगे सारे. ठीक है अभी निकल जाएगा हवा बजे. पहले मैप से चेक कर लेता कि करेक्ट है कि नहीं लोकेशन. आगे ऊपर तक ये बहुत ही खूबसूरत प्लॉट है ना? -15 चल रहा है फिलहाल, लोग बिना मास्क पहन रहे हैं. यार मुर्मांस तो सब बहुत खूबसूरत है यार विंटर्स में, तो मेरे ख्याल से विंटर्स में मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा नहीं था, तो अगर इतना खूबसूरत पहले देखा होता तो मैं और कुछ दिन प्लान करता यहाँ पर रुकने का. सो यही है वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर शिप,
एंड इसके अंदर जा भी जाएंगे। इन्होंने इसको म्यूजियम बना दिया है। सो ये है वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर्ड चिप, अगर मेरा इंटरनेट रिसर्च गलत ना हुआ हो तो। अंदर वही सब होंगे, क्या ही जाएंगे, और कुछ खास नहीं है मुर्मांस में करने के लिए। अब समी विलेज जाना था, काइंड ऑफ इंग्लैंड का एक्सपीरियंस मिलता, बट रिव्यूज इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी चले जाते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये पे है कि आज समी विलेज बंद है, एक दिन तबीयत की बिगाड़ की तो सारे टाइमलाइन का यहाँ वहाँ हो गया। शो देखते हैं अभी, और इसके अंदर भी जाना कुछ टाइम पास करने के लिए, लेकिन फिर मुझे चाहिए टिकट, एंड टिकट खरीदने के लिए मेरे पास वही QR कोड स्कैन कार्ड नहीं है, था हॉस्टल दोस्त के पास, तो पता नहीं था, चला यहाँ पे खाली ऑनलाइन ही कर रहा है। सो आज टेम्परेचर काफ़ी कंफर्टेबल है, पार्किंग ही है ये साथ। खूब घूम लिया मुर्मांस यहाँ से वहाँ एक ब्रेकफास्ट के चक्कर में, बाद में चेक करेंगे कि कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, ज़्यादा ही होंगे। बताओ भैया गूगल, क्या क्या तुमने इतना ऊपर चढ़वा दिए, और बोलो नीचे से लेफ्ट है। अरे यार ऐसा तो नहीं चलेगा ना, वापस नीचे जाओ, फिसल के गिर जाओ। चलो भाई फ़ोन ऑन रखता हूँ, ध्यान लगाता हूँ नीचे उतरने में, क्योंकि सारे ब्लैक आइज हो रखी है। बर्गर खाने आए थे, पता चला बर्गर हो गया खुद का। चलो ऊपर से तो आ ही गए, भाई यहाँ क्या हो रहा है ना, अभी ठंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा तो फ़ोन घड़ी घड़ी बंद हो रहा है। ये देखो सामने बर्गर भी, तब से धुंध रहा हूँ चाल छूटी होगा जैसा, अपने ऊपर ही गुस्सा आ गया है। तो चलो फटाफट चलते हैं बर्गर किंग यार, नाक मुख सब बंद हो गए। चलो आ गए अपना बर्गर किंग, बाप रे बाप दिमाग खराब हो गया बर्गर किंग को ढूंढे ढूंढे। बर्गर किंग छोड़ दो एक ब्रेकफास्ट के चक्कर में, अभी देखता हूँ खोल के कितना किलोमीटर में ट्रैवल किया, लेकिन चलो अंदर गर्माहट मिलेंगे। अरे बाबा वो तो भाई साहब देखो धूप चले गया, ठीक है धूप चला गया और इधर चांद निकल गया, पीछे देखो निकला भाई था, बट ये मतलब समझ लो कि ये अभी रात हो गया तो ऐसा ही रहेगा अभी, और उधर सनसेट हो गया था, अभी जस्ट सनसेट हो गया। अरे बाप रे गिरने वाला हिसाब है यहाँ पे, ये सब तो छू भी नहीं सकते, ज़्यादातर पकड़ के रखोगे पक जाएगा। तो अपना टैक्सी आ गया, टैक्सी ऑर्डर करवा लें, क्योंकि अभी आज वेदर बहुत ख़राब है, तो कोई नहीं ये किया मुँह से बात ही नहीं निकल रहा है। रुको पहले टैक्सी बैठते हैं। भाई देखो 3 बज रहा है, टेम्परेचर -14, 3 है कि रात है समझ ही नहीं आएगा आपको, वैसे ये रात है, ठीक है सनसेट हो गया पीछे और ये अपनी रात है, रात भर ऐसा ही रहेगा। तो इसको कहते हैं आर्टिक रीजन। अभी अभी जस्ट बर्गर किंग से निकला हूँ बर्गर खा के, एंड दैट्स इट। अभी फिलहाल आज तो यार वॉकिंग टूर होगा नहीं, ठीक है आज तो टैक्सी करना पड़ेगा, क्योंकि यार अभी हमें -15 तक भी जाना है ना, और टेम्परेचर काफ़ी ख़राब है आज, काफ़ी ख़राब है।
मतलब मैं समझ लो मेरा आज दाढ़ी वाड़ी सब फ्रीज हो गया था तो आज टैक्सी करेंगे। सो अपनी टैक्सी आ गई है, आगे बैठते हैं। रुको, ये रहा हमारा पहला साइट सीन। खतरनाक खतरनाक जगह है। भाई देखो समर में तो यहाँ आदमी भरे भरे हैं, बट विंटर्स में देखो हाँ इक्का दुक्का लोग हैं। हाथ पकड़ा तो नहीं जा रहा सही से, तो ये स्टेप्स पे केयरफुल उतरना पड़ेगा। पर यहाँ आ गए, मस्त है यार, मस्त है। वहां से हम उतर के इधर आ गए, यहां से तो शानदार व्यू आएंगे। ये समझ लो पोर्ट है, ठीक है। और इस समय हमें एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में, ये रशिया का एक पोर्ट सिटी है, देखो। सो भाई देखो यहां से ना शायद ये बंदे ने बचाया होगा ना इस गन से, गन को भी यहाँ रख दिया है, ऐसा ही कुछ होगा। ये टायर वायर सब फ्रोजन हो गया देखो आप। तो फिलहाल यहाँ से निकल के एंड अपनी कैब भी आ गई। एक बारी का तो मैं डर गया था कि भाई अगर यहाँ इस वक्त अगर कैब ना आए, क्योंकि अब तो रात हो गई, टेम्परेचर फ्रोजन है, मैं तो गई हूँ, लेकिन कैब आ गया। चलो फिर और कैब में बैठते। सो ये है आज का दूसरा साइट सीन, सेवियर ऑफ द वाटर्स। ये एक चर्च है एंड इसके आगे क्या लिखा है कुछ नहीं पता है। और ठीक इस चर्च के इस तरफ देखो ये नजारे, ये जो मैं हाथ से पकड़ रखा हूँ ना बहुत खतरनाक पकड़ रखा हूँ, मतलब समझ लो -18 में ओपन हैंड है। एंड ये आज का दूसरी साइट सीन है। सो आज का हमारा सेकेंड साइट सीन है ये। यहाँ से आपका मर्मान्स्क सिटी का व्यू शानदार होंगे। तो भाई साहब यहाँ नीचे हम यहाँ तक पहुँच गए यार, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, अनबियरेबल ठंड है। एंड मोबाइल भी ड्राई अप हो गए, कॉल इज डे ऑफ, बाकी का कल देखें, कल देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ से
फटाफट हम निकलते हैं। सो ये वाली एक और उसके आगे सर्च स्टॉप लोग हैं, देखा ये फिलहाल फटाफट निकलते हैं यार, हाथ जम गए मेरे। सो आज एक जापानीज रेस्टोरेंट में आया हूँ, देखते हैं क्या खाना रहेगा। व्यू देखो नीचे। सो आज का हमारा डिनर है टॉम यम सूप विथ राइस एंड जापानीज राइस, दो राइस और एक सूप। रेस्टोरेंट विद व्यू फ्रॉम मर्मांस्क रशिया। चलो आज अभी हम खाना फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपको रास्ते से। सुबह हमें अपना होटल में, मेरे होटल के ऊपर हॉस्टल भी है मुरमांग्स लॉफ्ट, तो वहाँ पे मिले विवेक भाई से। विवेक भाई अभी आ रहे हैं, उनको पेट्रोल खरीदना है अपना कैंपिंग के लिए, तो चलो मिलते हैं विवेक भाई से। भाई को अभी टेल मिल गया। विवेक भाई और मैंने एक दूसरे को पहचाना इंडियन, कैसे, ये जैकेट से। मैं भी सेम कलर सेम कंपनी, वो भी सेम कलर सेम कंपनी, और फिर शक्ल से तो पता चले जाते हैं इंडियन का। सो फिलहाल एक आदमी से मदद लिए हम, और तुर्किस्तान का है बंदा ये, तो इन्होंने 400 रुपये में विवेक भाई को तेल बेचा। पूरा जो बॉटल देख रहे हो, पूरा बॉटल भर के दे रहे हो, और फिर विवेक भाई ये तेल इस्तेमाल करेंगे कैंपिंग के लिए, जो कि उनको करना है टेरीबेका में। अनफॉर्चुनेटली दोनों साथ में नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आज रात को ही टेरीबेका जाऊँगा, और विवेक भाई शायद दो दिन बाद जा रहे हैं, बट आगे हम याकूत में और मॉस्को में मिलेंगे। हाँ चलो, इंडिया चिले चाइना चाइना इंडिया चिले। तो कहते हैं ना, एक भला दो, दो भला तीन, तीन भला चार, तो ऐसे चार पांच बंदे मिल गए हम हॉस्टल से, और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं पब में मुरमांग्स का नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। चिले इंडिया चाइना मिक्स। तो अभी हम आए बुलडॉग बार में। ये वाली एरिया में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स काफ़ी है। ये बर्गर किंग बंद हो गया, ये लड़की आ गई। हाँ क्या सोच करें, वीडियो बनाओ, मैं पूछूंगा। पूछो, एक्सक्यूज मी गाइस, डू यू नो वेयर इज द पब? पब डांस 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 नॉट नॉट इट नॉट इट It? No, no, dance, dance and drink. And drink, okay. अरे भाई ईद भी करनी है। Google. Вот видишь, желтое здание, а там дальше такой дом и там Google. Unfortunately, Murmansk में 10 बजे को सब खत्म हो जाता है, तो नाइट लाइफ बोल के कुछ है नहीं, एंड बाकी सब अपना हॉस्टल चले गए और मैं आ गया अपना कैब पकड़ने के लिए। हंटिंग के लिए जाने वाले हैं। ऑरा हंटिंग मीन्स नॉर्दर्न लाइट्स, सो नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए, वैसे आप खुद भी जाके देख सकते हो। नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस सिटी से बाहर जाना है, और प्रॉपर लोकेशन आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे मतलब टोटल डार्कनेस हो और ट्रैफिक नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। सो अब हम तो यहाँ का लोकल है नहीं, इसलिए कुछ टूर प्रोवाइडर्स को हमने कांटेक्ट किया था, जिसमें से एक जने ने एग्री किया है कि वो हमें ले चलेंगे। यहाँ पे ऑरा हंटिंग चल रहा है,
बट अभी मिले नहीं हम लोगों को. धीरे धीरे जो है आपका ऑरा विजिबल हो रहा है, आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर का शैडो टाइप का आ गया. एंड ऑरा हंटिंग करने के लिए मुर्मांग से बाहर आप टेरिबर्का रीजन में आके देख सकते हो. मान लो अगर आपको गाइड नहीं करनी है या फिर गाइड करना नहीं चाहते हो, सो आप क्या करना है, अपना 600 रुपये में आपको बस मिलता है मुर्मांग से टेरिबर्का. टेरिबर्का रात को आ जाओ, आपको आराम से मिल जाएंगे. बट उसके पहले फॉरकास्ट चेक कर लेना, इसका फॉरकास्ट भी होता है स्पेशल, ऑनलाइन मिलता है. सो ये फाइनली मिल गया, बट इतना अच्छे से नहीं है, लेकिन मिल गया, चलो कोई बात नहीं. सो फाइनली नॉर्दर्न लाइट्स, ये देखिए. सो ये नॉर्दर्न लाइट्स देखिए. बट गाइड लेके आने से फ़ायदा क्या है कि आप प्रोफेशनल फ़ोटोज एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आपको बना के देते हैं. एंड ऐसा 2 घंटा स्पेंड करने के बाद हम अभी वापस आ गए देख के. एंड काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, आप भी विजिट करिएगा. और ये रहा मेरा कुछ स्नैप्स ऑरा हंटिंग का. एंड बट आई रिकमेंड कि आप फैमिली के साथ आइए, अकेले मज़ा नहीं आता उतना. हाँ मस्त सजाया गया है ना. देखा भाई डेकोरेशंस, देखे हो ये देखो जबरदस्त. अगर मुर्मांग ऐसे देखे हो अगर कभी आप विंटर्स में नहीं देखे हो भाई तो जरूर आ जाना. बाय बाय. वाह वाह लिख लेंगे.